मोदी जी ने कहा था हम तो झोला उठा के चल देंगे, मगर उन्होंने ये नहीं बताया था झोले में क्या क्या लेके जाएंगे। मेरी बहुत ही अजीज माए, इज्जत माँ बहनों और मेरे मुस्तकबिल मेरी बेटियों, यानी के मुस्तकबिल की रानी चन्नम्मा, मैं आप सबको तहे दिल से सलाम करती हूँ। और आज की SGPI की इस पीपल पावर कॉन्फ्रेंस में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। वतन की फिक्र करना दा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। आज की ये कॉन्फ्रेंस जिसमें आपने हमारे बहुत सीनियर बहुत काबिल लीडर्स को, प्रेसिडेंट्स को सुना और आपको मकसद भी जाहिर हुआ, मैं उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी। मेरा आज का खिताब खास तौर से मेरी उन मुस्तकबिल की बेटियों से है जो आज अपने वजूद की बहुत बड़ी लड़ाई कर्नाटका की सरजमीन पर लड़ रही हैं। आज यहाँ पे बैठी हुई मेरी हर नौजवान बेटी आने वाली मुस्तकबिल की रानी चन्नम्मा है, और मेरा बैठा हुआ हर भाई और हर बेटा यहाँ पे एक टीपू सुल्तान है। मैं चाहती हूँ कि आप रानी चन्नम्मा और टीपू सुल्तान की लेगेसी को दोबारा जिंदा कीजिए। हमें इस लेगेसी को मरने नहीं देना है। ये सरजमीन, ये कर्नाटका, ये मुल्क भारत, ये हमारी कंट्री इंडिया जिसको हमने अपने खून से सींचा है, आज एक मुट्ठी लोग, चंद मुट्ठी जो इस सींची हुई हमारे बाग को आज बिल्कुल वीरान कर देना चाह रहे हैं, तरह तरह की पॉलिसियां लाकर, तरह तरह के जुल्म और ज्यादतियां लाकर। आज आप देखिए कि हमारे बोलने पे ही नहीं, हमारी सोच पे भी पाबंदी लग गई है, यानी कि हमसे ये भी कहा जाता है कि हम अल्फाजों को भी चुनेंगे कि हमें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। मैं यहाँ पे पिछले 8 सालों का ब्यौरा तो नहीं पेश कर सकती, क्योंकि आज हम सब जानते हैं कि मुल्क में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि दुनिया आज आपकी हथेली में है मोबाइल के जरिए। लेकिन हमारी इस कॉन्फ्रेंस का मकसद, हमारा दर्द मैं यहाँ पे आपके साथ बांटना चाहूंगी। मेरे अजीजों, मेरे हम वतनों और मैसूर के वासियों, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कम न थे करूं बयां। अल्लाह ने हमें दर्द समझने के लिए, दर्द बांटने के लिए और दर्द दिल के साथ दुनिया में भेजा है। इबादत करने के लिए और इताअत करने के लिए अल्लाह के पास फरिश्तों की कमी नहीं थी। आपको अपनी जिम्मेदारी बहैसियत इंसान समझनी है, आपको अपनी जिम्मेदारी बहैसियत भारतीय और इस मुल्क के नागरिक होने की हैसियत से समझनी है। हम देख रहे हैं दिन दिन, बल्कि दिन नहीं, मैं तो कहूंगी हर घंटे घंटे, शायद वो भी कम है, हर लम्हा लम्हा हम देख रहे हैं कि किस तरह से मुल्क जुल्म के नीचे दबता चला जा रहा है, हम किस तरह से मजलूम होते चले जा रहे हैं। ऐसे में हमारे फराइज क्या हैं? ऐसे में एक इनकलाब का नारा, मैं SGPI को सिर्फ पार्टी नहीं बोलती, SGPI एक मूवमेंट का नाम है, SGPI एक इनकलाब है जो आज फिर से उठा है आपको झिंझोड़ने के लिए, आपका साथ मांगने के लिए और आपका साथ देने के लिए। मैं आपसे सिर्फ सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप आंख नहीं रखते, क्या आप कान नहीं रखते, या फिर आप दिल नहीं रखते, या आपकी रगों में खून सफेद हो गया है कि आपको नहीं दिखता कि आज आपके साथ जो हो रहा है और आने वाली नस्लों के साथ जो होगा वो कितना जबरदस्त होगा, कि हमारा सर्वाइवल, हमारी डिग्निटी हमसे छीनी जा रही है, हम प्लेट में क्या खाएंगे हमारा निवाला गिना जाता है, हम कितने कपड़े पहनेंगे ये भी हमको बताया जाता है, हम क्या पढ़ेंगे ये भी हमको बताया जाता है। आप देखिए एजुकेशन के नाम पे किताबों में किस तरह सिलेबस चेंज कर दिया गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पे आज कलम को भी सेफ्रोनाइज कर दिया गया, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कलम छीन के आज देखिए हमारे यूथ के हाथ में पत्थर पकड़ा दिए गए, तलवारें और चाकू पकड़ा दिए गए और उनसे कहा गया तुम लड़ो, हम मौज मारेंगे, हम मजा उठाएंगे।
बताइए मुझे, ये मेरा सवाल है आपसे, जवाब आप देंगे, हम जवाब नहीं देंगे, हमने तो आपके लिए सॉल्यूशन ढूंढा है। इसीलिए आज इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस, इस तरह की कॉन्फ्रेंस करना आसान बात नहीं है, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस कुर्बानियों के बेसिस पर आज जमाई गई है। हमारे पास कोई पैसा नहीं, हम बहुत गरीब पार्टी है। कभी मोदी जी ने कहा था हम तो झोला उठा के चल देंगे, मगर उन्होंने ये नहीं बताया था झोले में क्या क्या लेके जाएंगे। झोले में लेके जाएंगे मुल्क की दौलत, झोले में लेके जाएंगे हमारा दिया हुआ टैक्स, झोले में लेके जाएंगे हमारी बच्चियों के सर से छीन के हिजाब, झोले में लेके जाएंगे हमारे रातों का चैन और सुकून। खुदा गवाह है, मैं आपको बता रही हूँ, जब भी कोई लिंचिंग होती है हम ये खबर नहीं देखते कि वो लिंचिंग किसकी हुई, हम सिर्फ ये देखते हैं कि एक गुनाहगार मारा गया, किस वजह से मारा गया। जब हमें खबर मिलती है कोई जेल में गया तो हम ये नहीं देखते कि वो हिंदू गया कि मुसलमान गया कि क्रिश्चियन गया कि उसकी जात क्या थी, हम तो ये सिर्फ देखते हैं कि एक बेगुनाह जेल में चला गया। मैं अपनी बात कर रही हूं, मैं रातों रात नहीं सो सकती, मेरे दिल पे क्या गुजरती है मैं वो दर्द बांटने आपके साथ आई। मैं कोई बड़ा लेक्चर कोई बड़ी स्पीच आपको नहीं दूंगी, मैं सिर्फ आपसे अपना दर्द बयान करूंगी। इस दर्द को मैं चाहती हूं कि आपके दिलों तक भी पहुंचाया जाए, मैं चाहती हूं कि आप झिंझोड़े अपने आप को और जिंदा कर दें उस लेगेसी को। ये जमीन बाद में टीपू सुल्तान के डोंडियाबाग, पुट्टा बसप्पा, रायन्ना, जिनकी कुर्बानियों से सींचा गया, न जाने ऐसे कितने नाम हैं। मैं यहां नाम गिना नहीं सकती, मेरी मजबूरी है, वरना ऐसे कितने नाम मैं गिना दूं आपको कि जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज हम इस खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। लेकिन हमें फिर कैद करने की कोशिश की जा रही है। जो कुर्बानी देते थे वो तो चले गए, अब कौन आएगा कुर्बानी देने? अगर आपको कल को स्लेव बनाया गया, गुलाम बनाया गया, फिर आपके गलों में और हाथों में जंजीरें डाल दी गई, तो फिर कौन उठेगा आपको आजादी दिलाने के लिए? यही बात समझाने आज हम ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करके आपके सामने बैठे हुए हैं। हम ये नहीं कहते कि ये हमारी पार्टी है, हम कहते पीपुल्स पावर, लोगों की पार्टी है। हम आपको तकवियत देने आए हैं, हम आपकी ताकत बनने आए हैं। जहां पर हमें कुर्बानी देने का मौका होगा वहां हम अपने आप को हाजिर कर देंगे। हम आपसे ये कहने आए, देखिए आज सेक्युलरिज्म खत्म, डेमोक्रेसी खत्म, फ्रेटर्निटी खत्म, फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म, लिबर्टी खत्म, इक्वालिटी खत्म, यानी कि आधा कॉन्स्टिट्यूशन खत्म। अभी आधा बचा है, वो आपको बचाना है, वो आपको बाकी रखना है। अब आपको उठना है, आपकी बारी है, वापस से जिंदा हो जाइए। याद रखिएगा, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर। आज मैसूर की सरजमीन पे खड़े होके आपसे बात करते वक्त इतना फख्र महसूस कर रही हूं कि अल्फाज नहीं है बताने के लिए। ये मेरी बहनें, मैं इनसे खास मुखातब होना चाहूंगी। आपका बहुत बड़ा हिस्सा था फ्रीडम मूवमेंट में, आपको एक बार अब फिर दोबारा लड़ाई लड़नी है, एक बार फिर वही मूवमेंट का हिस्सा बनना है। ये हमारी खुशनसीबी है कि हमको अल्लाह ने लड़ने के लिए चुना, ये हमारी खुशनसीबी है। हम भागने वालों में से नहीं, हम कैद होने वालों में नहीं, हम झुकने वालों में नहीं, हम बिकने वालों में नहीं, हम लड़ने वालों में हैं। जिस दिन हश्र के मैदान में हम खड़े होंगे, हमें भी रश्क हो रहा होगा और हमारे पैदा करने वाले को भी रश्क हो रहा होगा। मैं आपसे वादा चाहती हूं, आपने देखा होगा पॉलिटिकल लीडर्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, एमएलए, एमपी ओथ उठाते हैं। यहां तक के गवर्नमेंट के हर शोबे में जो काम करने के लिए पहुंचता है वो एक ओथ उठाता है, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो या आईपीएस हो। मैं चाहती हूं यही ओथ आज हमारी जनता उठा ले। आज इस पीपुल पावर कॉन्फ्रेंस में एक ओथ आपको उठानी है कि आप यूनाइट होंगे, आप देश को बचाने का, मोशरे को बचाने का काम करेंगे और आप आने वाली नस्लों के लिए
वैसे ही लेगेसी छोड़ जाएंगे जैसी हम किताबों में पढ़ते हैं कि टीपू सुल्तान हमारे लिए छोड़ के गए। आज भी जबकि सिलेबस से टीपू सुल्तान का चैप्टर निकाला गया, न जाने कितने मुस्लिम बादशाहों और मुस्लिम किंग्स को उन्होंने बर्खास्त कर दिया, कह दिया कि उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, न जाने कितने और सेक्युलर ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनका नाम किताबों से निकाल दिया गया। यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगी, वो जिंदा नहीं है, जिनका नाम निकाला गया वो जिंदा नहीं है। क्या उन लोगों से भी बीजेपी को इतना डर है जिनका आज कुछ पता ही नहीं है? यानी जो लोग हैं नहीं, जो गुजर गए, जो मर गए, आप जरा बुजदिली की इंतहा देखिए, मरे हुए लोगों से भी डरती है ये गवर्नमेंट। सोचिए जिंदा लोगों को इनका कितना डर होगा। और उसी डर के वजह से, वही डर है जो बोल रहा है कि गलत सलत पॉलिसियां लाई जाती हैं, ऊन पटांग इस मुल्क में हरकतें की जाती हैं, वायलेंस होता है, कम्युनिटी को लड़वाया जाता है, रिलीजन के नाम पे झगड़े होते हैं, आपस में कास्ट एक दूसरे से लड़वा दी जाती है, गबन किया जाता है, करप्शन, बेहिसाब करप्शन हम और आप तो सोच नहीं सकते। हम सब मिलके भी हिसाब लगाना चाहें तो पिछले 8 सालों में इस बीजेपी गवर्नमेंट ने जिस तरह मुल्क को बेच बेच कर खाया है, हम हिसाब नहीं लगा सकते। और जिस तरह से टुकड़े टुकड़े कर दिया है, आज हमारे मुआशरे को, हमारी सोसाइटी को जिस तरह तोड़ दिया गया है, हम इसका भी अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए आज SGPI का ये एक बहुत बड़ा कदम, एक बहुत बड़ी एक आपको पुकार है कि आइए आके फिर से एक नया बदलाव लाते हैं। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, हमें जरूरत नहीं है कि हम सियासत में पूरी तरीके से उतरें, हमें जरूरत नहीं है कि हमें कोई प्रोफाइल मिल जाए, हमें जरूरत नहीं है कि हमें कोई पोर्टफोलियो मिल जाए। हमारा मकसद क्या है? फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम हंगर। अभी मैं 4 साल पहले तक किताबों में पढ़ती आई थी, 60% इस मुल्क में जनता जो है वो गरीबी रेखा में आती है, वो 60 से 70 और 80 कब हो गई पता ही नहीं चला। यानी के पेट से खाना, सरों से छत, ये सब छीन लिया गया। यहां तक के कपड़ों पे भी हमला किया जा रहा है। मोदी जी कहते हैं कि वो कपड़े देख के पहचान लेते हैं, बस एक ही बार पहचान पाए थे, उसके बाद आज तक फिर वो दोबारा नहीं पहचान सके। उनको यही नहीं मालूम है कि हम उनके अपने इसी देश के वासी हैं या हम कहीं बाहर से आते हैं, उनको कुछ नहीं मालूम है। वो जर्मनी के दौरे पे जाते हैं, वो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में जाके फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बात करते हैं, वो बड़े बड़े UNO में बैठकर स्पीचेस करते हैं और बताते हैं कि डेवलपमेंट के नाम पर देखिए हमने क्या कुछ किया। जब उनसे दुनिया के सारे मुल्क पूछते हैं क्या किया, तो कहते हैं मैंने 1.5 लाख शौचालय बनवा दिए। शर्म की बात है, जिस मुल्क में जितनी बड़ी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव, इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ हमारे मुल्क का प्रधानमंत्री UNO में बैठ के अपनी उपलब्धियां यानी अपनी अचीवमेंट्स बता रहा है कि हमने 1.5 लाख शौचालय यानी टॉयलेट्स बनवा दिए, बैतुल खला बनवा दिए। आप सुनिए, आप देखिए, शोर से पानी पानी हो जाना चाहिए। ये उपलब्धि है, ये अचीवमेंट है, हमारा खून, हमारा पसीना, हमारी कुर्बानियां, हमारा मान पावर, हमारे मुल्क के रिसोर्सेज आखिर कहां जा रहे हैं? झोले के अंदर भर गया झोला, मगर झोला लेके ये जाते हैं। उन्होंने कहा पता नहीं कितना बड़ा झोला उनकी जाति के खाली है। मैं पूछती हूँ, हम जिस मेहनत से आपको मालूम है आप एक एक चीज को पहुंच दे रहे हैं, आप अब खाने पीने यहाँ तक के इस मुल्क में ये खुली हवा जो आपके फेफड़ों में जाती है लंग्स में, आप इस तक का पहुंच दे रहे हैं, इससे ही आपका नशा खसाता जा रहा है। आपने सुन ही लिया, आपके सामने यहाँ हमारे लीडर्स ने, हमारे प्रेसिडेंट्स ने और दूसरे स्पीकर्स ने बड़ी लिस्ट पेश की, मैं उसे दोबारा दोहराना नहीं चाहती। मैं तो बस उसी बात को आगे बढ़ा रही हूँ कि जिस तरीके से हमारा रेवेन्यू जनरेट होता, क्योंकि हम इतनी बड़ी जनता, आज इस वक्त हम चाइना से भी बड़ी जनता है। वो दिन दूर आ गया कि जो कहा जाता था कि चाइना के बाद हमारा नंबर आता, जी नहीं, 2011 के बाद अभी तक सेंसस हुआ ही नहीं। ये सेंसस क्यों नहीं करवाते? ये CRRC तो करवाने के लिए तैयार है, ये हमारा पाकिस्तान में भी हमसे तैयार है, ये हमारी पहचान को हमसे पूछते हैं। ये क्यों नहीं देखते कि जनता कितनी हिंदुस्तान में भूखी मर रही है, कितनी जनता आज भी ऐसी है पीने का साफ पानी
साथ बैठकर लाखों लाख के बच्चों को डिग्रियां दिलाते हैं तो नौकरियां नहीं है, नौकरियों के नाम पे करप्शन है, दिन ब दिन इन्फ्लेशन करता चला जा रहा है। कोई हद नहीं है, कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं हमारी गलती है, हमारा अपना सिक्का खोता है, क्योंकि हम दे रहे हैं हाँ खामोश है। इसलिए मैं ये जितने सवाल आपके सामने रख रही हूँ उसका एक ही जवाब है, उठिए हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिलाइए, शामिल हो जाइए इस दिव्यांग के साथ। मैं चाहती हूँ कि ये पीपल पावर कॉन्फ्रेंस जो आज हम कर रहे हैं इसको आप बताएं दुनिया को कि यहाँ जो होती है आम इंसान की ताकत। कॉमन पीपल का पावर क्या होता है आप बताएं। कॉमन पीपल का पावर ये होता है कि बड़े बड़े तख्त मशीन पलट किए गए, बड़ी बड़ी हुकूमतें गिर गई, बड़ी बड़ी दुनिया में रेवोल्यूशन आई। आप किताब दर्ज कीजिए हिस्ट्री में ताकि आपके बच्चे आगे जब किताबों में पढ़े तो अपने माँ दादा का नाम पढ़े। इस उम्मीद के साथ और ये वादा देते हुए ये आज ओथ देते हैं कि हाँ आपके साथ है, इसी तरह आपको हमारा साथ देना है। आज अगर आप यहाँ हमको बैठ के सुन रहे हैं तो सिर्फ सुन के नहीं चले जाना है, आपको साबित करना है कि आप एक जिंदा कौम है, आप सारे मनसूर पीपल सुल्तान की लेगेसी है। मगर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आज माता जा, मगर मंजिल की दूरी से कदम आगे बढ़ाता जा। इसी के साथ मैं आप लोगों का बहुत तहेदिल से एक बार फिर शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं अपने तमाम वॉलंटियर्स और डोनर्स को बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन देते हुए अपनी बात खत्म करती हूँ कि आपकी मेहनत इंशाल्लाह जरूर बन जाएगी। अल्लाह हाफिज़।